नमस्कार, मैं हूं नवजोत संधव और आप देख रहे हैं हमारी ये विशेष पेशकश। आज ज्येष्ठ अमावस्या पर शनि जयंती मनाई जा रही है और शनि जयंती को शनिदेव का प्रकटोत्सव मनाया जाता है और सूर्य के पुत्र शनिदेव देवों के न्यायाधीश, कर्म फलदाता और दंडाधिकारी भी हैं। शनिदेव भक्तों के कर्मों के आधार पर ही उनकी तकदीर का फैसला करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जिसके ऊपर शनिदेव की कृपा बरसती है उसके बारे न्यारे हो जाते हैं और जिस पर शनि की कुपित दृष्टि पड़ती है वो व्यक्ति राजा से रंक बन जाता है। इसीलिए अगर आप शनि की कृपा पाना चाहते हैं तो इस दिन शनिदेव के लिए व्रत और पूजन बहुत जरूरी है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनके पास हम चलेंगे, लेकिन हम उनसे ये भी जानेंगे कि आखिर आज के दिन का महत्व क्या है, क्यों इतना अहम है आज का दिन। अब क्योंकि दिन ढल चुका है, शाम हो चुकी है, यही वो वक्त होता है जिस वक्त आप शनि की पूजा, आराधना, दान और मंदिरों में जाकर पूजा कर सकते हैं। तो वो कौन सा विधान है वो भी हम जानेंगे, कौन से मंत्र हैं जिनका उच्चारण करना है वो भी हम जानेंगे, किस तरीके से विशेष पूजा अर्चना की जा रही है अलग अलग मंदिरों में वो भी आपको दिखाएंगे। और सबसे बड़ी और खास बात यह है कि आज कृतिका नक्षत्र के साथ ही शोभन योग भी बन रहा है, साथ ही गजकेसरी योग भी भक्तों के लिए वरदान बनकर आया है। कर्मों पर किस्मत बदलने वाले देव, संकट का नाश करने वाले देवता, शत्रु नहीं मित्र बनाने वाले विधाता, न्याय के देवता शनिदेव की जयंती। आज शनिदेव का प्रकटोत्सव है। माना जाता है कि आज ही के दिन यानी ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन शनिदेव प्रकट हुए थे, इसलिए हर साल इसी दिन उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। शनि जयंती श्रद्धालुओं के लिए पावन दिन माना जाता है। इस खास मौके पर शनि मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। शनि जयंती पर शनि मंदिरों की विशेष सजावट की गई है। ये तीन तस्वीरें अलग अलग जगहों की हैं। पहली तस्वीर दिल्ली के शनिधाम की है। शनिधाम में शनिदेव की सबसे विशाल प्रतिमा है, यहाँ मंदिर के फूलों से खास सजावट की गई है। दूसरी तस्वीर है रायगढ़ के प्राचीन शनि मंदिर की, यहाँ पर मंदिर में शनि जयंती के मौके पर भक्तों का रेला उमड़ पड़ा है। वहीं तीसरी तस्वीर लखनऊ के शनि मंदिर की है, जहां शनिदेव का अभिषेक करने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। दिल्ली के शनिधाम में भक्तों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। शनि को जो चीजें चढ़ाई जाती हैं, गुड़, काला चना, काला कपड़ा, उसके लिए यहां पर दान पेटिका टाइप का बनाया हुआ है। नीचे से ही ये लोग थाल लेकर आ रहे हैं, उस थाल में सब कुछ शामिल है, जिसमें काला कपड़ा भी है, काला चना है, तिल है, इसके अलावा गोला है और उड़द की दाल है। ये शनि को चढ़ाया जाता है और यहाँ पर ये जो लोग आ रहे हैं शनि को चढ़ा रहे हैं, देव की पूजा कर रहे हैं और अपनी मनोकामना मान रहे हैं। मान्यता है कि शनि देव की पूजा करने से भक्तों को उनकी विशेष कृपा मिलती है। जिन लोगों पर शनि से पीड़ा पहुँच रही है उन्हें शनि का आशीर्वाद मिलने से उनके संकट दूर हो सकते हैं। मनुष्य के किए गए कर्मों के जो भंडार है उसमें से किस कर्म को कितना और किस प्रकार भुगतना है ये काम शनिदेव का है। अब भाई सीधी सीधी बात है, अकाउंट आपका है, अब ये आपको देखना पड़ेगा कर्मों का खजाना आपका कैसा है। और ये एक भरम है, भय है कि शनि प्रतिकूल, शनि कभी प्रतिकूल नहीं, हमारे कर्म प्रतिकूल। शनि मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है, लोग शनिदेव की पूजा आराधना कर रहे हैं। शनिदेव के बारे में कहा जाता है कि उन्हें प्रसन्न करना आसान नहीं होता, लेकिन इस बार शनि जयंती पर ऐसे कई संयोग बने हैं जो बेहद शुभ हैं। ऐसे में आज शनिदेव की विधि विधान से पूजा कर उन्हें खुश करने और उनकी कृपा पाने का शानदार मौका है। शनि जयंती शनिदेव का अपना दिन है, इस दिन शनिदेव बहुत ही प्रसन्न रहते हैं। जीवन में तमाम प्रकार की जो भी कठिनाइयां मानव जीवन में चल रही है उसको दूर करने के लिए शनिदेव आते हैं। और शनि जयंती के दिन कोई भी भक्त सच्चे मन से शनि चालीसा का पाठ करता है, काले कपड़े का दान करता है, सरसों के तेल का दान करता है, लड्डू का दान करता है, लोह पदार्थ यानी लोहे का सामान शनि को बहुत प्रिय है, यदि शनि देव को लोहे का सामान अर्पित करता है उनके चरणों में, उसके समस्याओं को हल कर देते हैं शनि भगवान। इस बार की शनि जयंती का संयोग बेहद शुभ है,
लिहाजा श्रद्धालुओं के द्वारा शनि को प्रसन्न करने के बाद नया वाहन, सोना चांदी और मकान संपत्ति आदि का लाभ आपको मिल सकता है। शनि महाराज का तेल से अभिषेक करना लाभकारी माना जाता है। शनि महाराज पे मुख्यतः सरसों का तेल और काला तेल, काला उड़द और जौ और काला कपड़ा, ये मुख्यतः चढ़ता है। और भोग में गुड़ या काली मिठाई जैसे अंगूर, काला फल, इस तरह सर से इनको भेंट किया जाता है और तैलाभिषेक किया जाता है। इसका बहुत महत्व है। मान्यता है कि आज भगवान शनि के निमित्त की गई पूजा उपासना आपको न केवल शनि के दोषों से राहत देती है, बल्कि आपको साढ़े साथी और ढैया के प्रकोपों से भी रक्षा कवच प्रदान करती है। शनि जयंती पर दान का भी काफी महत्व है। आज उड़द दाल, काले कंबल और कपड़े का दान कर सकते हैं। इससे शनि की साढ़े साथी, ढैया और महादशा के अशुभ प्रभाव में कमी आती है। साथ ही पराक्रम, वैभव, सफलता, सुख शांति और धन धान्य की वृद्धि होती है। दिल्ली से गुंजन दीक्षित के साथ लखनऊ से शिल्पी सेन, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए, तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय करा देते हैं और फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि हमारा ये महापैनल कहे कि आपको बताएगा कि आखिर शनि की कृपा कैसे आप पा सकते हैं, 30 साल बाद किस तरह का शुभ संयोग बन रहा है, ये सारे सवाल जो आज हम अपने खास मेहमानों से जानेंगे। कन्हैया महाराज हमारे साथ पुजारी शनिदेव मंदिर से जुड़े हुए हैं, आचार्य जेपी सिंह हमारे साथ ज्योतिष आचार्य जुड़ चुके हैं, आचार्य सुरेंद्र शर्मा पुजारी शनिदेव मंदिर हमारे साथ है और पंडित संजय शर्मा ज्योतिषी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, श्वेता झा मेरी सहयोगी जुड़ेंगी और नीतू झा भी हमारे साथ जुड़ेंगी। सबसे पहले सुरेंद्र जी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। देखिए, जब हम शनि की बात करते हैं ना, तो एक भय, एक डर रहता है। अब क्योंकि शनि जयंती है, तो जरा लोगों के जहन से पहले तो उस डर को दूर कीजिए और फिर उसके बाद तमाम दूसरे मेहमानों से मैं जानूंगी कि आज के दिन की विशेषता और किस तरीके से, चाहे वो ढैया हो या फिर साढ़े साथी हो या फिर अगर शनि आपकी कुंडली में सही अवस्था में नहीं है तो आपको क्या करना है। लेकिन पहले महत्व और उस भय को दूर कैसे आप करेंगे? मैं नवजोत जी, आज शनि जयंती है तो इस पर्व पर, पावन पर्व पर, और एक खास योग बन रहा है तो उस पर एक शंखनाद में अपने इष्ट देव को नमन करती हूँ। जय शनि महाराज। दूसरा, वट वृक्ष, वट सावित्री, वट सावित्री व्रत भी है, उसके लिए वट महाराज की जय। वट महाराज की जय। और मेरे इष्ट जो बजरंग बली हैं हनुमान जी महाराज, उनके लिए उलंगे सिंधो सल्लम सल्लम या शुकवानी जनक आत्मजाया आधा आयतेने वृद्धा लंकाम नमामि तमांजित पांडे, खेल खेल में लंका उलांगे माँ सीता के दुखी अग्नि से लंका जरा डाली, ऐसे हनुमान जी को मैं नमन करता हूँ। नवजोत जी, आपने जो प्रश्न पूछा मैं अब उस पर आ रहा हूँ कि एक तो ये भय, भय, अब भय तो शनि तो वास्तव में हमारे अगर कर्म या पिछले प्रारब्ध खराब हो जाए तो वो फल देगा, क्योंकि ये भोले बाबा की इन्होंने तपस्या की, युद्ध भी किया, उनसे वरदान भी लिया और उनको ये अधिकार मिला कि कानून यानी कि न्याय, न्याय के देवता, न्याय के भगवान शनि हैं। यदि हमारे कर्म खराब होंगे और यदि हमारे या प्रारब्ध में कुछ ऐसी त्रुटि आ जाएगी तो शनि भगवान को अधिकार है, शनि देव को वो दंड अधिकारी है। दंड अधिकारी काला, देखिए कोर्ट में क्या पहनते हैं वकील, काला कोट, यानी कि हम अनुशासन में रहें, हम संविधान को, तो ये न्याय के देवता है, न्याय के भगवान है, इसलिए भय थोड़ा सा, यदि हमारे भय का भी कलर होता है ये। चलिए, मैं लौटूंगी आपके पास। अगर, अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे फिर भय की जरूरत ही नहीं। मैं चाहती हूँ कि आप हमें वो कथा भी सुनाइए, ताकि, देखिए सीधी सी बात है, जब हम बात शनि की करते हैं, जब हम उस भय को दूर करने की कोशिश करेंगे तो यही सवाल जहन में आएगा, जी हमें एग्जाम्पल दीजिए, तो हम कथा के जरिए आपको समझाएंगे। लेकिन श्वेता मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुकी है, जल्दी से श्वेता के पास चलेंगे। श्वेता दिखाइए वहां पर, क्योंकि कहा जाता है कि सूरज ढलने के बाद अगर आप शनि की आराधना कृपा पाना चाहते हैं तो फिर पूजा अर्चना कीजिए, मंत्रोच्चार कीजिए। इस वक्त जहां पर है वहां पर अभी क्या चल रहा है? बिल्कुल नवजोत, सबसे पहले मैं बता दूं, अभी जो स्टूडियो में बात हो रही थी कि जब भी शनि का नाम लिया जाता है, शनि देव के बारे में हम सोचते हैं तो एक भय, एक डर का माहौल होता है, लेकिन जहां मैं हूं
यहाँ दिल्ली के खुरेजी में। यहाँ पर देखिए एक छोटा सा मंदिर और यहाँ पर तमाम लोग सुंदर कांड कर रहे हैं और हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। आपको हम बता दें कि विशेष करके आज के दिन यहाँ पर यज्ञ और हवन पूजन रखा गया था जो हमने अपने दर्शकों को दिखाया, और उसके बाद यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो इस वक्त हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। आचार्य विक्रमादित्य हमारे साथ हैं। आचार्य जी, यहाँ पे आज हमने देखा कि सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पर आज हवन किया और उसके बाद देख रहे हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आए हुए हैं, श्रद्धालु आए हुए हैं जो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। जरा हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि मैं भी अभी भी पढ़ रही थी और मैंने जाना कि आज के दिन यानी शनि जयंती के दिन विशेष करके हनुमान चालीसा का या सुंदर कांड का आप पाठ करते हैं तो आपको बड़ा लाभ मिलता है। देखिए, हनुमान जी अजर अमर है। अश्वत्थामा बलिव्यास हनुमानश्च विभीषण कृपा परशुराम से मार्कंडे जो अष्टमय्याष्ट चिरंजीवी भारतीय संस्कृति में बताए गए हैं। और उसके साथ साथ हनुमान जी प्रत्यक्ष देवता वास्तविकों में जो है, हनुमान जी ने शनि पर कृपा करी। जब शनि दासत्व में थे रावण के वहां पर सभा के अंदर, तब जब हनुमान जी पहुंचते, जब उनका दासत्व मुक्त कर सकते तो हमारे जीवन में हमारे शनि के कष्टों को क्यों नहीं दूर होगा। और शनि ने तो हनुमान जी को आशीर्वाद प्रदान किया कि जब भी कोई कष्ट आएगा किसी भक्त के जीवन में और आपका नाम लेगा, उसके जीवन से कष्ट दूर करूंगा। तो जब अप्रोच डायरेक्ट हनुमान जी के पास है और हनुमान जी के कहने से शनि कुछ अशुभ कर ही नहीं सकते, तो वही मार्ग अपनाना चाहिए। और डायरेक्ट हम जाकर किसी अफसर को मनाते हैं, किसी अपने बॉस को कहते हैं कि भाई मान जाओ, जब उसकी समस्त चाबी, उस समस्त अंकुश हनुमान जी के हाथ में है तो फिर हम जाते हैं और हनुमान जी बड़ी सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं। जब कहा गया हनुमान चालीसा में और देवता चित्तन धरही हनुमत से ही सर्व सुख करही, तब फिर क्या दिक्कत है। तो हनुमान जी को हम डायरेक्टली पकड़े और जो कहा गया है कि हनुमान जी कैसे प्रसन्न होंगे, तो तुलसी बाबा बोलते हैं जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाही। उसमें कहा गया जो शत बार पाठ पढ़ जोई छूटई बंद महासुख होई। तो आज हमने सोचा और पिछले करीब करीब 15-20 सालों से हमने ये शनि जयंती पे कार्यक्रम रखा हुआ है कि हनुमान शनि जयंती पर हनुमान चालीसा के 100 पाठ किए जाएं। और अब सत्य माने कि जब 90 पाठ हो जाते हैं और 10 पाठ रह जाते हैं तो ऐसा ही लगता है कि साक्षात हनुमान जी सामने सन्निकट नाच रहे हैं। बिल्कुल श्वेता, बिल्कुल वास्तविक तौर पर बिल्कुल जाहिर सी बात है, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से आपको अगर शनि को प्रसन्न करना है तो आप हनुमान जी के सामने भी एप्लीकेशन लगा सकते हैं। जल्दी से नीतू के पास चलेंगे। नीतू, जरा वहां की रौनक दिखा दीजिए। देखिए, रौनक की बात करें नवजोत, शाम ढल गई है अब और लोगों का आना शुरू हो गया है। मैं पहले आपको इस जो आप बड़ा सा शनि भगवान की मूर्ति देख रही हैं इसके बारे में ही बताना चाहूंगी। जब मैंने पुजारी जी से बात की थी तो उन्होंने हमें बताया था कि ये जो मूर्ति है अष्ट धातु से बनी हुई है, और शनि भगवान की इतनी बड़ी अष्ट धातु से बनी हुई मूर्ति और कहीं नहीं है। और अगर मैं रौनक की बात करूं तो अब यहाँ पर भगवान को भोग लगने वाला है, 56 भोग लगेंगे, साथ ही 1000 लड्डू भी प्रसाद में चढ़ाए जाएंगे और दीयों को जलाने की तैयारी शुरू हो गई है, हवन होगा। कुछ ही देर में हम यहाँ काफी रौनक देखने वाले हैं, लेकिन भक्तों का तांता लगने लगा है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकती हैं कि धीरे धीरे भक्त आने लगे हैं और धीरे धीरे जो शनि जन्मोत्सव है उसे मनाने की जो तैयारी है वो शुरू हो से लेकर शाम। और गुड न्यूज टुडे पर हमारी ये महा कवरेज आप देख रहे हैं, क्योंकि यहीं से तस्वीरें सुबह मेरी सहयोगी गुंजन भी दिखा रही थी उस वक्त की रौनक क्या थी और दिन ढलने के बाद किस तरीके से वहां रौनक है वो नीतू जहां हमें लगातार दिखा रही है। संजय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी जो 30 साल बाद ये महासंयोग बन रहा है, ये संयोग क्या है और किस तरीके से इससे आम जन लाभ ले सकते हैं? जी देखो, इसमें एक तो शश योग बन रहा है, गजकेश्वरी योग बन रहा है, और ये योग जो है बड़े ही हितकारी हैं। और शनि इस वक्त जो है अपनी राशि कुंभ राशि में बैठे हुए हैं और नक्षत्र जो है सतविषा नक्षत्र के अंदर जो है आ गए हैं। और इस वक्त जो है महासंयोग ये है कि शनि जब जयंती हम मना रहे हैं, आज का दिन बड़ा ही शुभ कार्य है जिसमें शश योग है, शुभ योग है और काफी अच्छे योग हैं, जिस कारण से लोगों के लिए ये जो शनि जयंती है इस पर्व पे लोग जो है अपना शनि का जो है दान करने से और शनि की पूजा करने से। मैं आपको इसमें छोटा सा दृष्टांत बता देता हूं कि शनि का स्वरूप जो है हम कहते हैं काला और नीला, दोनों कलर को हम मानते हैं, और शनि जो है कलयुग के न्यायाधीश हैं। और न्यायाधीश इसलिए माना गया है क्योंकि हमारी जो प्रथम उंगली है वो बृहस्पति की है, दूसरी जो है शनि की है, जैसा मैंने पहले भी बताया था। तो शनि कलयुग के न्यायाधीश हैं और जो सत्य बोलता है, कहते हैं कि शनि वाला व्यक्ति का जो स्वरूप होता है, आप देखें
कि पहले जज को जो है बिग पहनाया जाता था, आपने फिल्मों में भी देखा होगा। कारण क्या था कि जो अपनी फिल्म में मास्टर होगा वो शनि कहलाएगा, जो जज होगा उसके बाल हल्के से करली होंगे। तो जो अपनी फील्ड में मास्टर होता है वो शनि प्रधान होता है, और शनि सबको जो है सुख देने वाले हैं, आनंद देने वाले हैं, क्योंकि शनि का स्वरूप काला जरूर है, क्योंकि शनि की जो साढ़े साथी जब आती है या ढैया आती है तो किसी के जीवन में तो बड़ा ही लाभ कर देती है, हाँ। और किसी को बड़ी हानि पहुंचा देती है। कारण क्या है कि शनि जिन राशियों के लिए शुभ होता है, जैसे मान के चलो कि हम राशि की बात कर लेते हैं, मिथुन राशि, कन्या राशि, तुला राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, इन राशियों के लिए जो शनि है बड़ा ही शुभकारी होता है, योगकारी होता है। और तुला लग्न के अंदर शनि जो उच्च राशि के होते हैं, और मेष राशि में शनि नीच के होते हैं, और मकर और कुंभ में अपनी राशि के होते हैं, हाँ। तो जो शनि हमारे को अच्छा कैसे दे सकता है, क्योंकि शनि जो है सत्य का प्रतीक है, न्याय का प्रतीक है। जो कलयुग के अंदर सत्य को धारण करेगा, असत्य का परित्याग करेगा, उस व्यक्ति को जो शनि शुभ फल देगा। कलयुग में धारण करने की बात कर रहे हैं तो सबसे टफ चैलेंज है। बिल्कुल संजय जी हमारे साथ हैं, और आपने राशियों का जिक्र किया। मैं ये भी बता दूं अपने दर्शकों को कि आप हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि ठीक 8 से 8:30 बजे के बीच आज का दिन आपकी राशि के लिए कितना अहम है, और शनिदेव की कृपा पाने के लिए राशि वार आप क्या कर सकते हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जेपी जी, आज अमावस्या, शनि जयंती, वट सावित्री व्रत और बहुत सारे ऐसे योग बन रहे हैं, इन सबकी कृपा अगर हमें एक उपाय से पानी हो तो हमें वो क्या कार्य करना चाहिए? देखिए, सर्वप्रथम सबसे पहली बात जान लेनी जरूरी है कि शनि कार्य करते कैसे हैं। शनि अगर आप देखें, एक बार जो भ्रमण करते हैं 30 वर्ष में करते हैं, एक राशि से दोबारा उस दोबारा राशि में आने, जैसे आप कुंभ राशि में हैं तो वे कुंभ राशि में दोबारा 30 वर्ष बाद आएंगे, और एक राशि से दूसरी राशि 2.5 वर्ष में परिवर्तित होते हैं। तो इतने शनि शनि चलने वाले, अगर इनको समझना है तो सबसे पहली बात यह समझनी होगी कि अपने कार्यों पर ध्यान देना होगा, धीरे से आपको ये सोचना होगा। तो सबसे ज्यादा बात समझने योग्य है कि धीरे कौन चलता है, बुजुर्ग व्यक्ति। तो बुजुर्गों की सेवा करें, बड़ों का आदर करें, बड़ों के चरण स्पर्श करें, ये सबसे सरलतम उपाय है। और दूसरा, सबसे पहले मैंने पहले भी कहा कि वृद्धाश्रम में जाके आप भोजन कराइए, बुजुर्गों को भोजन कराइए, कोणियों को भोजन कराइए, सबसे सरलतम उपाय है जो कोई भी व्यक्ति कर सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति मंत्र जाप नहीं कर सकता, मंदिर नहीं जा सकता। तो क्या ये तो कर ही सकते हैं, चाहे आप देश विदेश में कहीं बैठे हों, बुजुर्गवार तो कहीं भी मिल जाएंगे आपको, तो आप वहां कर सकते हैं वृद्धों की सेवा, तो आपके लिए अति उत्तम होगा। बिल्कुल। साथ ही अगर आप छोटा सा एक कार्य कर लें कि यहां जहां आपके पास उपलब्धता हो तो यहां पर काले कुत्ते को भोजन करा दीजिए, सरलतम उपाय है। दूसरा, अगर आप और सरलतम कर सकते हैं तो पीपल के नीचे जाके सरसों का तेल का दीपक जला दें, क्योंकि उसमें भी शनि का वास माना गया है। तो ये बहुत छोटे छोटे और सरल उपाय, छोटे छोटे सरल उपाय आप कर सकते हैं। कन्या महाराज भी हमारे साथ हैं, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि कहते हैं कि शनि को अगर आप खुश कर देते हैं, शनि की कृपा अगर आप पर होती है तो राहु केतु आपको परेशान नहीं करते, यानी कि अगर आपको शनि, राहु और केतु तीनों को सेट करना है तो क्या आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज के दिन ऐसा क्या करें? देखिए, शनि देवता राजा है, राहु केतु उनके शिष्य है, राहु केतु जो शनि के सारे भी सारे काम करते हैं। यदि शनि आपके अच्छे हैं तो राहु भी अच्छे हैं और केतु भी अच्छे हैं, और जान लें कि तीन ग्रह ही बहुत ही प्रबल शक्तिशाली है, इसे के जीवन को अच्छा से अच्छा कर सकते हैं, किसी को पतन के गर्भ में पहुंचा सकते हैं, अत्यंत शक्तिशाली है शनि भगवान। इनके पास दो हाथ है राहु या केतु रूप में, जो कि कुछ भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहता हूँ कि राहु केतु ऐसे ग्रह है जिनका किसी पर कोई नियंत्रण नहीं है, तो शनि देव ही ऐसे देवता है जिनके इनके अधिपति है, इनके मालिक है, इनके राजा है। यदि आपके शनि अच्छे हैं तो राहु भी अच्छे हैं और केतु भी अच्छे हैं। तो आज का दिन तो आप एक छोटा सा पूजा करके शनि को भी, राहु को भी और केतु को भी प्रसन्न कर सकते हैं। और ये तीनों ग्रह किसी के अच्छे हो तो उससे प्रबल राज्यों की प्राप्ति होती है। शनिदेव के बारे में तो ये कहा जाता है कि यदि शनिदेव खुश हो जाए किसी पर, वो व्यक्ति सोने का जूता पहन के चलता है, इतना संपन्न, इतना आगे चला जाता है कि क्या बताया जाए। रंग भी राजा बन जाता है, गरीब से गरीब आदमी बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। बिल्कुल, तो इसका मतलब शनि को प्रसन्न करना बहुत जरूरी है। तमाम खास मेहमान और मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं।